क्या हाल है दोस्तों? और भाई सब राजी खुशी? ठंड हो रही है यार, आड़ तो अच्छी मेलबर्न में अच्छी अच्छी ठंड हो रही है भाई। मैं जहाँ तो लाइव आया हूँ यारो कि आओ भाई, जो सब भाई है लाइव देखो। मैं इसलिए तो लाइव आया हूँ भाई कि मेरा ओपन चैलेंज है, जो बॉक्सर है विजेंदर, उसको जो विजेंदर जो अपना भारत का बॉक्सर है, वो जो वे प्रोफेशनल खेलने लग गया है। और कोई भी भाई गलत ना ले यो मेरी बात में, क्योंकि मेरा उसकी ओपन चैलेंज करने का मतलब उस तक कोई दुश्मनी ना है भाई, कि हम तो दोस्त रहे हैं, बॉक्सिंग भी साथ में करी है, मारा तो वो भी था भी सीनियर, वो अच्छा बॉक्सर था, अच्छा बॉक्सर है। लेकिन जब मैं आके बाद पिछले 10-15 साल तक मैं भी बॉक्सिंग करूँ हूँ प्रोफेशनल, तो बहुत बढ़िया मेहनत करी है बस सारी दुनिया में घूम के। तो मैं के कौन था, मेरा चैलेंज है बस विजेंदर सिंह ने बॉक्सिंग फाइट खातर। और इसके पीछे कारण यूँ है भाई, चैलेंज इस वजह तक कराया है क्योंकि यार मेरा हमेशा का सपना रहा है बॉक्सिंग करूँ मैं, मेरा देश खातर खेलूँ, भारत खातर खेलूँ, भारत खातर ओलंपिक में जीतूँ, मेडल लेके आऊँ। और विजेंद्र का कोच था भाई जगदीश, जिसने मेरी झूठी शिकायत लाई थी क्योंकि मैंने उसका थोड़ा नॉकआउट कराया था कॉमनवेल्थ की ट्रायल में, बड़ी राजनीति करी गई थी। मैं मेरा खेला 2004 में एयरपोर्ट पर खड़ा था दोस्तों, 17 साल का बालक मैं। मेरा त्याकी इंडिया का कोच है वो जगदीश सर, उसका चेला था एक राकेश ठाकरान। मैंने बोले बा तू बॉक्सिंग में खेल सकता है, मैं क्या था जी बोला बा तो तुम्हारा क्या ऑपरेशन करवा रहा क्या है, तेरी बॉक्सिंग बैन कर दी। तो भाई मैं यार अपने तो बचपन तक बताया जा है गुरु भगवान हो है, मैं उनकी बात करके यार 17 साल का बालक और मन दो 18 घंटे दिन में प्रैक्टिस कराया था भाई। अब बहन जो था उन्होंने इतना गलत काम कराया यार, उमरा के लिए उधर जगदीश कोच तक जो भिवाणी का कोच है वो उस तक अर्जुन अवार्ड दे रखा है, और वो क्या करे द्रोणाचार्य अवार्ड। यार सोच के देखो कितना कितनी गलत बात है, एक ऐसा आदमी जिनने जिसने केवरा कितने बातों का जीवन खराब कराया है, और यार उसे ना आपे अवार्ड देते रहो। हाँ वो आदमी एक बार मेरा शामी आज नहीं भाई, बहुत ही बताऊँगा रही यार। मैं तो गांव का बालक हूँ और खुद के पैरा पकड़े हुए हूँ, खुद करके दिखाया है जहाँ तो बोल दूँ भाई ना। तो भाइयों इस वीडियो ने शेयर करियो जितना ज़्यादा उसके, विजेंद्र की खुली चुनौती है अगर वो फाइट करना चाहे, अगर तो उसमें दम है। मन 14 साल हो गए बस प्रोफेशनल बॉक्सिंग कर दे, 24 फाइट कर ली, पहला इंडिया का बॉक्सर हूँ आज तक जो 12 राउंड की फाइट खेला है, लड़ा है, ठीक है खेला है, जीत्या है। वो अपने 3 बॉक्सर थे पहले जो इंग्लैंड गए थे, देवराजन था, राजकुमार सांगवान भाई साहब थे, और वो इधर महेंद्र यादव थे इंग्लैंड में। भाई ये 3-4 5-5 फाइट करके उल्टे आ गए थे इंडिया, मतलब प्रोफेशनल बॉक्सिंग इंडिया का कोई बॉक्सर कर कौन सकता, बहुत मुश्किल है। माया नहीं भाई, ऑस्ट्रेलिया में ना तो बस आया कर दी, ना किसी ने जाना करता, कल्ला था सिर्फ मेरे इसका कच्छा और भाजन वाले जूते पावर वाले में जूते पैर की खेल लिया यारो, और अड़ा मर मर घुसंड जानता रही है लोगों की। 12 राउंड की मेरी जो पहली फाइट हुई नहीं, अफ्रीका का बॉक्सर था, ठाडा बॉक्सर था भाई, कसूता ठाडा बॉक्सर था एक नंबर का, उसका कहना जब 12 राउंड की फाइट होने लग रही थी ना, तो मैं मतलब उसका अच्छा पढ़ू था, उस छोरा था बढ़िया मारन लग रहा, उसके जीतने लग रहा एकदम था। मेरा कोच राउंड में बोला बोला प्रदीप बोला भाई बोला यार फाइट खत्म कर यार, इसने नॉकआउट कर खत्म कर घर चला पे, क्यों रिस्क ले रहा है। तो मैं उसी ने बोला मां ना मगा मन फाइट करने तक कोई लेना देना को नहीं, मन तो 12 राउंड खेलने हैं, जो महाराज ही बताया गया नहीं इंडिया में कि वह 12 राउंड को नहीं खेल सकते, मन तो 12 राउंड खेलने हैं उसके बाद देखूंगा। भाई जब मैं खेलता रहा 11वां राउंड में मन नॉकआउट कर दिया वो बॉक्सर, उसके बाद फिर एक जापान का बॉक्सर था उसके खेलने हुई,
कम से कम 12 राउंड 12 राउंड की खेली 12 फाइट। तो यारो गुस्सा ना हो यो, मैं भी तारा भाई हूँ, देश खातर खेलना चाहूँ यारो, भारत खातर ना, एमेचोर में नहीं खेलने दिया, क्या हो गया, प्रोफेशनल में खेलेंगे। तो खुली चुनौती है विजेंदर ना, जस दम है तो स्वीकार करा दिखा दूँगा क्या हुआ मुक्का ही ताकत, देसी देसी आदमी का मुक्का देखा होगा उन्हें ना, कुछ भी भाई हो ठीक से करो एंजॉय भाई, और शेयर करियो या वीडियो अपने ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों तक बात पहुँचाइयो जितनी हो सके। ओके मेरे दोस्तों।